हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमएसके इंजीनियर्स। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम हमारा जो सर्किट है उसको वैक्यूम के लिए लगाया है, तो अब हम आपको दिखाते हैं हमारा वैक्यूम हुआ और अगर हो गया है तो हम उसमें आज गैस चार्ज करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारा वैक्यूम ऑलरेडी लगा हुआ है और ये 24 आवर हो गया है कंटिन्यू। एक वैक्यूम लगाया है एक सर्किट में, सर्किट बड़ा है तो इसमें 24 आवर के अबव हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा -30 गया यहाँ गेज पे, तो हम इससे नहीं माइक्रो गेज से चेक करना है हमें। लेकिन अभी फिलहाल आप ये देख सकते हैं हमारा लमसम वैक्यूम हो गया है। अब ये देख सकते हैं दूसरे में भी हमारा ऑलमोस्ट वैक्यूम शो कर रहा है, तो हमारा 24 आवर के अबव हो गया और वैक्यूम हो रहा है कंटिन्यू। हमारे हिसाब से वैक्यूम डन हो गया है। अब यहाँ देख सकते हैं साइड ग्लास, ये हमारा ग्रीन हो गया है। अब ये साइड ग्लास भी देख सकते हैं, तो ये हमारा साइड ग्लास हो गया है ग्रीन। और अब हम आपको डिस्प्ले पे लेके चलते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमारा ये रेडी है, हमारा प्योर एज पर डिज़ाइन के हिसाब से। तो अब हम आपको डिस्प्ले में लेके चलते हैं, डिस्प्ले में आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे वैक्यूम कितना हुआ है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर हमारा लगा हुआ है वहाँ भी दिखाएगा, तो आप फॉलो करें। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर नंबर 2 है, सर्किट नंबर 2 जो, और इसमें हमारा -17 डिस्चार्ज प्रेशर दिखा रहा है, मतलब हमारा ऑलमोस्ट वैक्यूम हो गया है। और इसमें हमने ब्रेक किया हुआ है, थोड़ा गैस डाला, ये -99 दिखाता है, तो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है कि वैक्यूम हो गया है। अब हमारा एक सर्किट और है, हम उसमें जाएंगे F3 पुश करके, और इसमें देखें एंटर करते जाएंगे और हम जाएंगे 6 में। हमारा यहाँ कंप्रेसर नंबर 6 आएगा क्योंकि दूसरा सर्किट जो है वो 6 है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर, अभी 4 चल रहा है, ये 5 आया और अब ये 6 आ गया। ये देख सकते हैं 699 दिखाया, वापस जाएंगे, ये 699 आया, ये 15 है। इसमें थोड़ा और लगेगा, वैक्यूम होने में टाइम जाएगा थोड़ा, जब तक हम उसमें गैस डाल देंगे। देख सकते हैं आप, ये कंप्रेसर नंबर 6 है, ये हमारा 99 सक्शन है और ये -99 और -15 डिस्चार्ज है। तो ऑलमोस्ट ये भी हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ये चिलर है, ये हमारा वैक्यूम लमसम हो गया है। तो आपको लेके चलते हैं, अब गैस टॉप अप करते हैं इसका, और एज पर डिज़ाइन के हिसाब से डालना रहता है। कि जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस पर LBS, जैसा ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये LBS, इस हिसाब से हमको KG में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद हमें उसी हिसाब से गैस डालना है। तो हम आपको अभी लेके चलते हैं हमारा बैक साइड पर जहाँ से हमें गैस डालना है, तो बने रहे वीडियो में। देख सकते हैं हमारा ये चार्जिंग लाइन ऑलरेडी लगा हुआ है और ये वैक्यूम में लगा था, हमने वैक्यूम का कोकर के और इधर से खोला, ये यहाँ से पर्च कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वापस से आपको दिखाते हैं, ये हमने पर्च किया हमने यहाँ से, अब इसको वापस बंद करके अब हम क्या करेंगे, हमारा लो साइड कौन सा है, ये वाला है, तो हम लो साइड पे इसको गैस खोल दिया। आपको दिख रहा होगा हम ये ब्रेक क्रैक कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा गैस डाल के 10 PSI उसके बाद होल्ड करेंगे, क्योंकि हमें सडल पिन लगाना है। इसमें सडल पिन हमने निकाला हुआ है, तो सडल पिन लगाने के बाद फिर वापस से कंप्लीट फ्रीऑन डालेंगे। और इसका LBS और किसी किसी में ओजोस दिया रहता है, तो एज पर डिज़ाइन के हिसाब से हम गैस डाल रहे हैं। और इसके बारे में भी हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे कि ओजोस को कन्वर्ट कैसा करते हैं और LBS को, तो बहुत कुछ है अभी कैलकुलेशन, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आज हम गैस डालने वाले हैं, हमारा पर्पज़ मेन है गैस आफ्टर वैक्यूम और गैस टॉप अप करना, पूरा गैस चार्ज करना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये कुछ PSI, मिनिमम PSI कुछ डाल देंगे हम, तो कंप्लीट होने के बाद हम उधर सटल पिन लगाएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमारा 10 to 15 PSI हो गया है और हम इसको बंद कर देते हैं। अब हमें सटल पिन लगाना है, उसके बाद हम कंप्लीट फ्रीऑन डालेंगे। तो हमारा ये लाइन था जो हमने बंद किया है, आप देख पा रहे हैं, अब हम यहाँ से इसको खोल लेंगे। जैसे कि वो उसका भी पिन लगा दिया है, अब हम इसको वापस से इसी पर कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसमें अभी गैस टॉप अप करना है, गैस चार्ज करना है। अब यह है कूलर, यहाँ पे पूरा लिक्विड नहीं डाल सकते, हाई साइड में पूरा लिक्विड डालेंगे हम, इसको रनिंग कंडीशन में लिक्विड डाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसको टाइट करना पड़ेगा, हमने टाइट कर दिया है। ये हमारा टाइट हो गया है, अब हम इधर वापस से इसमें गैस खोलेंगे।
जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अब हम हाई लो साइड का हमारा पिन लग गया है, सब कुछ रेडी है, हमने बंद कर दिया है। अब हम इस पर कम्प्लीट एज पर डिज़ाइन के हिसाब से हम वन सिलेंडर डालेंगे और जितना हमें रिकमेंड होगा हम उसको वापस से फिर उसी हिसाब से उसको डालेंगे रनिंग करने के बाद। तो पहले हम जितना एथलीट खींच सकता है उतना डाल देते हैं प्रियोन, ये नहीं कि अनलिमिटेड, एज पर डिज़ाइन के हिसाब से कितना केजी है उस केजी के अंदर जितना खींच सकता है हम इसको गैस देंगे, फीड करेंगे। अब हम डिस्चार्ज को ब्रेक कर रहे हैं, जैसा आप ये देख पा रहे हैं हमने लगाया सिलेंडर प्लग, या डिस्चार्ज में हम लिक्विड डाल सकते हैं और कोई मसला नहीं, लेकिन फिन भी ऐसा डाल के सटल फिन हमको इसमें भी लगाना पड़ेगा। नंबर दो में कहीं और तो नहीं लगा पोर्ट? नहीं नहीं बस। हाँ उधर का निकाल लिया था सब? हाँ सब निकाल दिया, चार्जिंग पोर्ट लगा दिया, हमने वापस से इसमें कनेक्ट कर दिया। अब हम इसमें फ्रीऑन डालेंगे कंप्लीट सिलेंडर, ये हमने टॉप अप के लिए एक सिलेंडर रखा था, अब हम इसमें एक कंप्लीट एज पर डिजाइन के हिसाब से सिलेंडर डालना है। तो हम नया सिलेंडर लगा लिए, ये नया है उसमें थोड़ा है, अब ये बने रहे वीडियो में आप देखते रहे, हमने यहाँ से खोल दिया, हम यहाँ से फर्श कर देते हैं। फर्श इसलिए करते हैं इसके अंदर कोई भी नॉन कंडेंसेबल गैस रहेगा, नॉन कंडेंसेबल गैस तो निकल जाएगा। अब हम यहाँ से खोल देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम इसको पलट देते हैं। हमें इसमें पूरा फुल लिक्विड देना है, हमने जो है वैक्यूम को ब्रेक किया और उसका सडल पिन लगा दिया, और सडल पिन लगाने के बाद हमने वापस से उसमें कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने वापस से कनेक्ट कर दिया है, दो लाइन कनेक्ट किया ताकि इजी गैस आसानी से जा सके, और एक लाइन हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब हम ये पूरा सिलेंडर जितना जा सकता है एज पर डिज़ाइन, हमें मालूम है कितना केजी जाएगा इसमें, हम उसी हिसाब से इसमें गैस लगा के रख दी है, जितना जाएगा लेगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा अंदर, तो ये नहीं खींचेगा, तो उसके बाद हम इसको रन करके और फिर जितना रिकमेंड है रनिंग के टाइम में लो सक्शन जाता है क्या है किस हिसाब से, तो उस हिसाब से हम इसको मेंटेन करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जैसे दूसरा सर्किट अभी वैक्यूम की ज़रूरत थी हमने आपको दिखाया, तो उसको हम थोड़ा देर और वैक्यूम में लगाएंगे, और फिर सेम प्रोसीजर से हम क्रैक करेंगे, उसके बाद क्रैक करने के बाद हम इसका सडल पिन लगाने के बाद नया सिलेंडर कनेक्ट करेंगे। नया सिलेंडर इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं 50 kg का है, क्योंकि इस पर आईएस पर डिज़ाइन के हिसाब से बड़ा सर्किट है, ये है 60 kg का, लमसम 132 lbs, आप कैलकुलेशन मार सकते हैं, नहीं है तो इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे कैलकुलेशन कैसा होता है क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको जितना गैस ये लेता है उतना गैस इसको देते हैं, चार्ज करते हैं, और उसके बाद ये वाला भी कंप्लीट करके इसको भी गैस चार्ज कर देंगे। और जैसे कि एक सर्किट हमने ऑलरेडी डन कर दिया है, तो हमारा तीनों सर्किट रेडी हो जाएगा विद गैस विद फ्रीऑन, और उसके बाद हम इस पर लैपटॉप लगा के वन एक ही टाइम में वन बाई वन हम तीनों को रन करके और उसको जितना रिकमेंड है उसके हिसाब से हम टॉप अप करेंगे। तो हम फिर टॉप अप करके इसको रन करके रेडी कर देंगे, उसके बाद हम आपको ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में आपको दिखाएंगे इसको रन करने का, रन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ किधर से कितना गैस टॉप अप कहाँ से करना चाहिए, रन करने के टाइम भी गैस टॉप अप की रिकमेंड ज़रूरत रहता है, उसके बाद उसमें कहाँ सेंसर क्या है और लैपटॉप लगा के क्या कैसा है पूरा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको सबसे पहले आपको मिले, तो इसलिए वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।